डेटा माइनिंग की जब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन से मुराद ये होता है कि जो आपके पास सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उनमें से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो और नॉन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को रिमूव कर दो अब इसकी डिटेल कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगी कि हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे कि वट इज़ गिवन टू अस एंड वट वी ट्राई टू फाइंड आउट फ्राम द गिवन डाटा अब गिवन हमारे पास क्या है सोर्स ऑफ टेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स जैसे हमें आई सिस्टम में भी हमारे पास यही चीजें थी और वेल डिफाइंड लिमिटेड क्यूरी जो टेक्स्ट बेस्ड है इस केस के अंदर और फाइंड हम क्या करना चाह रहे हैं सेंटेंसेस विच आर रेलिवेंट टू आवर इंफॉर्मेशन और एक्सटेक्ट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड इग्नोर द नॉन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं है और फिर लिंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड आउटपुट इन प्री डिटर्माइंड फॉर्मेट तो मैं इसको सिंपल ये कह सकता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है उसमें हम क्या करेंगे यूजफुल इफॉमेशन को अपने पास रखेंगे और यूजलेस इन्फॉर्मेशन को या जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है जो नॉन रेलिवेंट है उसे हम रिमूव कर देंगे अब यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दी है इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन को समझाने के लिए इसके लिए पैराग्राफ आपको थोड़ा सा एक दफ़ा रीड करके हम देखते हैं और ये नेट से ही लिया गया जो बेसिकली ये बता रहा है कि सेल्वडोरन प्रेजिडेंट इलेक्ट एल्फ्रोडो क्रिस्टेनिया कंडेम द टेस्ट किलिंग ऑफ अटोर्नी जनरल रोबर्टो गार्शिया and एक्यूज the मार्टी नेचिन फ्रंट एफ एम एल एन ऑफ द क्राइम अच्छा अब यह एक स्टेटमेंट है कि जी प्रेजिडेंट साहब ने कंडेम किया जो टेररिस्ट किलिंग हुई थी अटॉर्नी जनरल की और फिर एक एफ एम एल एन जो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन थी उसे कहा था जी इन्होंने क्राइम किए गार्शिया एल वार्डो फिफ्टी सिक्स वॉज किल्ड वेन अ बॉम्ब प्लेस बाय अर्बन गुरिलाज ऑन हिज व्हीकल एक्सप्लोडेड एज इट केम टू अट्ट एट एन इंटरसेक्शन ऑफ डाउन टाउन सेंट सेडर अकॉर्डिंग टू द पुलिस एंड गार्शिया ड्राइवर वो स्केप सेक्ट दिजन वॉज ट्रेवलिंग विध टू बॉडी गार्ड वन ऑफ देम वॉज इंजर्ड अच्छा अब ये एग्जाम्पल तो दे दी आप ये एग्जाम्पल काफ़ी सारी एग्जाम्पल उठा सकते हैं मैंने आप दो इंटरनेट से उठाई है तो इस तरह की काफ़ी सारी एग्जाम्पल हो सकती अब जब हमने इसे गौर से पढ़ा अब क्वेश्चन है कि हम करना क्या चाह रहे हैं हम ये करना चाह रहे हैं क्या हम ये बता सकते हैं कि वट इज़ द इंसीडेंट डेट बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ जैसे जो हमने पैराग्राफ पढ़ा ये एक पैराग्राफ हमने देखा और क्या हम इसके मदद से हम ये बता सकते हैं कि यह इंसीडेंट कब हुआ ये इन्फॉमेसन इस टैक्स में मौजूद नहीं है इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें इस टैक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा विद डिफ़रेंट अदर सोर्सेज ऑन द इंटरनेट और जब हमने उनके साथ कनेक्ट किया तो हमें पता ये लगा कि ये इंसिडेंट जो है ये 89 का है नाइनटीन्थ अप्रैल का टाइप क्या है बॉम्बिंग जो उस टैक्स में मौजूद थी प्रीपेड इंडिविजुअल आईडी किसने किया अर्बन गोरीलाज ने किसको टारगेट किया गया था एलवाराडो को तो अब ये जो है इंफॉर्मेशन एक्सटेक्शन क्या है कि जो गिवन डाटा है उसमें वो इंफॉर्मेशन जो एक्सप्लिस मौजूद है explicit का मतलब क्या है जो उसमें डायरेक्टली मौजूद है यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली टेक्स्ट में मौजूद है उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन जैसे वहां पे क्लियर लिखा हुआ था कि बॉम्बिंग हुई अर्बन गोिलाज ने की एलवराडो जो है वो टारगेट था लेकिन वहां पे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसे कहते हैं इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन इसको सर्च करने का तरीका क्या है इस एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन को अदर वेब सोर्सेज के साथ कंपेयर किया जाता है और फिर ढूंढ के लाया जाता है जैसे पहली इन्फॉमेशन है इंसिडेंट डेट जो हमारे टैक्स में नहीं दी गई थी उसको हम उठा के लेके आए हैं कि वो नाइन्टीन अप्रैल एटी होगी इसी चीज़ को फिगर के लिहाज से अगर कर हम करें जैसे क्यूरी वन क्यूरी टू यहाँ पर मैंने किया आपके पास डॉक्यूमेंट्स सोर्स है एक्सट्रैक्टेड इफॉर्मेशन है कम्बाइंड क्यूरी रिजल्ट और फिर रैंक इन्फॉर्मेशन अब इसमें होगा क्या और फिर ये रेलिवेंट इफॉर्मेशन वन टू एंड थ्री ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो इन्फॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्शन है वो रफली इक्वलेंट बनेगी आईआर सिस्टम के और इंटेलिजेंट होने के लिए क्या होगा इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू लिंक विद अदर सोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट